अवर YouTube चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स क्लास फोर्थ और आज की हमारी एक्सरसाइज है 5.1 क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5E मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है, हमें एक टेबल दी गई है यहाँ पर SN4 सीरियल नंबर्स 1, 2, 3, 4 ओके सीरियल में दिया गया है। मल्टीप्लिकेंट्स, मल्टीप्लिकेंट्स क्या होते हैं, जिसमें हमें मल्टीप्लाई करनी है एंड मल्टीप्लायर इज द नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें निकालना है प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या हमारा प्रोडक्ट आता है, हमें यहाँ पर लिखना है। तो आइए देखते हैं, दिए गए इस क्वेश्चन में सभी पार्ट्स एक जैसे हैं ओके। मल्टीप्लिकेंट्स मल्टीप्लायर की आपसे मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे ओके। इस क्वेश्चन में हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं राइट, सो मैनी पार्ट्स आर इन दिस क्वेश्चन, तो सभी एक जैसे हैं। मैं आपको एक पार्ट स्टार्टिंग का करा देता हूँ, बाकी सेम वैसे ही आपको सभी करने हैं योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीप्लाई हमें करनी है। मल्टीप्लिकेंट्स वो नंबर जिसमें मल्टीप्लाई होती है और मल्टीप्लायर वो नंबर होते हैं जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। आगे प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई दोनों की होने के बाद जो भी नंबर होगा हम आगे प्रोडक्ट में इसको यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहला हमारा पार्ट है 4218 में हमें मल्टीप्लाई करनी है 182 से। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट, इसको हम करते हैं सो 4218 की मल्टीप्लाई हमें करनी है। मल्टीप्लाई क्या है 182 में। तो जैसे हम करते आए हैं आपके पास तरीका है, या तो आप डायरेक्ट वे में मल्टीप्लाई कर दें प्रोडक्ट निकालते हैं ओके, या फिर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में रख करके मल्टीप्लाई कर लें, जैसे भी आप करना चाहें। यहाँ पर हमने इसे किया 4000, हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कर रहे हैं 4218 को, तो 4000 हो गया प्लस 200 ओके प्लस 10 और प्लस 8, ऐसे हम लिख सकते हैं ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में। बाकी जो नंबर है 182 को हम ऐसे ही लिखेंगे ओके। अब इसे करना क्या है, सबसे पहले 182 की जो मल्टीप्लाई है 4000 में हम कर रहे हैं, फिर इसकी मल्टीप्लाई 200 में हम कर रहे हैं, फिर 10 में हम करेंगे ओके, और उसके बाद कहा 8 में हमें करने हैं और सबको बाद में ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें करना है इक्वल टू का साइन हमें लगाना है। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं 4000 की मल्टीप्लाई 82 में करें या 82 की 4000 में करें, बातें की है। यहाँ पर है 4 के बाद में 30, तो 0 है तो हम 0 एज इट इज लगाएंगे 1, 2, 3, 0 राइट साइड। नाउ 4 की मल्टीप्लाई 182 में करेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे हम, 4 2 8 यहाँ पर 8 आ गया, 4 8 32 ओके, 32 का 2 कैरी 3 और 4 1 4 और 3 + 3 7। तो नाउ देखिए पीछे प्लस का साइन है तो प्लस का हम साइन लगाएंगे। अब 200 की मल्टीप्लाई इसमें करें तो बाद में देखिए 2 के बाद 20 है, हमने राइट साइड से 20 लिख दिया, बचा 2 की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो 2 2 4 राइट टू लेफ्ट करना है, 2 8 16 का 6 कैरी 1, 2 1 2 और 1 3। नाउ फिर से हमारा प्लस का साइन है, प्लस हम लगाएंगे, 10 में मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं क्योंकि 1 0 आ जाएगा, 1 1 1 की मल्टीप्लाई 182 में एज इट इज नंबर होगा तो कितना हो जाएगा 1 0 लग गई और 182 एज इट इज हमने नोट कर दिया, सो 1820। फिर से यहाँ पर प्लस हम साइन लगाएं क्योंकि आगे 8 है, 8 की मल्टीप्लाई इसमें करना है, 8 2 16 कैरी 1, 8 8 64 1 65 कैरी 6, 8 1 8 और 6 14, राइट अब हमें करना क्या है आगे, इनको ऐड करना है क्योंकि पीछे प्लस का साइन है। ऐड करने का तरीका, वंस प्लेस की वैल्यू को वंस प्लेस में हम ऐड करें, अगर आप ऊपर नीचे करके करना चाहते हैं तो ऊपर नीचे आप ऐड कर सकते हैं कॉलम वे में, जो भी आपको अच्छा लगे। तो 6 + 0 = 6 + 0 + 0 = 6 हम राइट साइड में लिखेंगे 6। अब टेंस प्लेस के जो नंबर है उनको हम ऐड करेंगे ओके, तो 5 + 2 7 + 0 + 0 7 ही रहेगा, 7 लिख दिया, 100 प्लेस की वैल्यू इसको हम अब ऐड करने वाले हैं राइट। तो 4 + 8 = 12 + 4 = 16 और +0 16 + 6 कैरी 1, यहाँ पर 1 कैरी हो गया हमारा,
थाउजेंड प्लेस पर यहाँ पर वन है, यहाँ भी वन है, वन और वन टू हो गए, ओके। यहाँ पर कितना है सिक्स, टू और सिक्स एट हो गया, और यहाँ पर एट है, एट और एट सिक्सटीन, सिक्सटीन और कैरी का वन जो था हमारा सेवनटीन, सेवनटीन का सेवन कैरी वन अगेन। अब यहाँ पर तो देखिए आगे नंबर बचे नहीं है, फोर प्लेस तक थे केवल, फाइव प्लेस पर यहाँ पर है टेन थाउजेंड पर थ्री, और इधर कितना है टू, थ्री और प्लस टू फाइव, और कैरी का वन सिक्स, सिक्स लिख दिया। अब इधर कुछ नहीं बचा है, लास्ट में सेवन है, तो हम सेवन को एज इट इज लिख देते हैं, तो हमारा आंसर होगा 7,67,676 इज द आंसर। तो हम इस आंसर को लिखिए प्रोडक्ट में, जो कि है हमारा 7,67,676, ओके। तो इसी तरह से सेम वे में आपको ये क्वेश्चन करना है, सेकंड भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, इसे हम फैक्टर कर लेंगे, ओके। इस पे क्या करेंगे हम, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखेंगे, 700 प्लस 50 प्लस 3 मल्टीप्लाई 26, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखना है कैलकुलेट करने के बाद आगे। इसी तरह से इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, 300 प्लस 30 प्लस 9 मल्टीप्लाई 227, वैसे ही आपको कैलकुलेट करना है और आगे इसके प्रोडक्ट में आगे लिखना है। फोर्थ जो कॉस्ट पार्ट है वो भी ऐसे करना है आपको, यहाँ पर देखिए 5,742 दिया गया है, मल्टीप्लाई 308 में मल्टीप्लाई हो रही है इसकी, तो इसको भी हमें क्या लिखना है, 5,000 प्लस 700 प्लस 40 प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ, यू हैव अ ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 308 से, बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है, जो भी आंसर इसका आता है लास्ट में जाकर के वो आगे लिखना है। ये क्वेश्चन इसमें बहुत सारे आपको पार्ट दिए गए हैं, सभी पार्ट को एज इट इज आपको सोल्व करना है।